बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी राजमा जिसे रात में भिगो दिया था, और एक गरम मसाला का पैकेट, एक मीट मसाला का पैकेट, तीन प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, सूखी लाल मिर्च, गोलकी पाउडर, जीरा, काश्मीरी लाल मिर्च और दो तेज़पत्ता। पहले मैं राजमा को बॉईल कर दूँगी। ये हल्दी डाला मैंने, ये नमक डाला मैंने और ये दो ग्लास पानी डाला मैंने। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर 10 सीटी लगाकर बॉईल कर लूँगी। जब तक हमारा राजमा बॉईल हो रहा है तब तक मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। जीरा है, ये हरी मिर्च डाला मैंने, ये लहसुन डाला मैंने, ये अदरक डाला मैंने, ये प्याज डाला मैंने। प्याज तीन था, मैंने दो काट कर डाला है और एक फ्राई के लिए रखी। इसमें हल्का सा पानी डालकर फ्राई पेस्ट कर लूँगी। देखिए इस तरह से फाइन पेस्ट कर लेना है। मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, फ्लेम को ऑन कर रही हूँ। भाई हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, तेज पत्ता डाल रही हूँ, सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ और जब ये चटकने लगे तभी इसमें प्याज डालें। ये तीन प्याज मैंने जो लिया था, एक प्याज फ्राई के लिए रखा था, वही एक प्याज काट कर डाल रही हूँ। हमारा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ। जो मसाला मैंने मिक्सर में पीसा था उसे ही डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें गोलकी पाउडर डाल रही हूँ, ये मीट मसाला है इसे भी डाल रही हूँ, ये हल्दी डाला मैंने, एक चम्मच बॉयल करते समय डाला था और अभी एक चम्मच मसाला के समय डाल रही हूँ, और ये नमक एक चम्मच बॉयल करते समय डाला था मैंने और एक चम्मच मसाले के साथ डाल रही हूँ, और ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हाई फ्लेम पर भूंजें। जब ये कढ़ाई पकड़ने लगे मसाला तब इसे मीडियम फ्लेम पर कर दें। देखते हैं कि मसाला हमारा भून चुका है, कढ़ाई पकड़ रहा। अब मैं इसमें बॉईल किए हुए राजमे को डालूंगी और फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। अब देख सकते हैं कि राजमा जो पानी में बॉईल किया था मैंने उसके साथ ही डाल रही हूँ। इससे आपका राजमा का स्वाद और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। और अब मैं इसमें एक गिलास पानी डाल रही हूँ। अब फ्लेम को तेज कर देना है। मैं इसमें थोड़ी सी गरम मसाला डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने जो गरम मसाला का पैकेट लिया है इसमें से आधा ही डाली हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और दो मिनट के लिए छोड़ दें। फ्लेम हमारा हाई ही रहेगा। दो मिनट हो चुके हैं, राजमा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ करूँगी। देखिए इजी क्विक टेस्टी राजमा बनकर तैयार है। इसे इस तरह से रोटी या राइस के साथ सर्व करें और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आप सभी को पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।